हेलो दोस्त, आपके मन में भी सवाल होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हमने 10 प्रश्न लेके आए हैं। इन प्रश्नों में से शायद आपने बहुत सारे प्रश्न नहीं सुने होंगे। अभी तक आपने सुना होगा कि टाइपिंग स्किल टेस्ट का कितना नंबर जुटता है, तो कोई नंबर नहीं जुटता है, 30-30 कोटि नहीं जुटता है। टाइपिंग स्किल टेस्ट हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, इसका फॉन्ट क्या होगा, इसकी प्रोसेस क्या होगी। लेकिन मेरा काम है खोज के लाना वो चीज़ें जो विद्यार्थी की सेहत के लिए, यानी परीक्षा में अच्छे सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी पड़ती है। तो सबसे पहले इसका डिटेल सारे प्रश्नों का उत्तर मैं PDF रूप में दे दूंगा, जो रेलवे के वेबसाइट पे है। मैं अपने वेबसाइट से दूंगा थोड़ा देर में, लेकिन पहले हम इसको बताते हैं कि क्या क्या है इस प्रश्न में। तो वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको मिल पाएगा। तो कितने मिनट का होगा टेस्ट, किसी को नहीं पता। वन वर्ड में कितने शब्द होंगे, किसी को नहीं पता। जो पिछली बार दिए हैं उन्हें तो पता होगा। पैराग्राफ में कितने शब्द होगा, पैराग्राफ लिखा हुआ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कितनी गलती हम करेंगे तो हमें माफ़ कर दिया जाएगा, उसको एरर में काउंट नहीं किया जाएगा। एरर में हाफ मिस्टेक क्या है, फुल मिस्टेक क्या है, किस कंडीशन में हमारा टेस्ट ही इनवैलिड हो जाएगा, कोई हमें फेल कर दिया जाएगा डायरेक्ट बिना जांच किए हुए, नंबर ऑफ मिस्टेक कैसे काउंट होगा, समय से पहले 300 वर्ड जो आपको इंग्लिश में और 250 वर्ड आपको टाइप करना हिंदी में, ये कैसे काउंट होगा, और स्पीड कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है। तो आपने तो एक चीज़ को, मैं यहाँ पहले सबसे सब जवाब दे देता हूँ। 300 वर्ड हमने टाइपिंग के बोल दिया, तो आपको बता दिया था कि 30 वर्ड पर मिनट, ये तो कंसेप्ट आपको पता था, बिल्कुल पता था। तो 30 और 300 वर्ड टाइप करना है, तो 30 × 10 कितना होता है, 300, यानी आपका टेस्ट कितने मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा। कोई कन्फ्यूजन है, अगर 25 × 10 करते तो 250 वर्ड हिंदी में और 300 वर्ड इंग्लिश में। समझ गए कितने मिनट का टेस्ट होगा, समझ गए आपने। एक टेस्ट में एक वर्ड कितने मिनट का होगा, 5 मिनट का होगा, 6 मिनट का वर्ड का होगा, 10 लेटर का होगा, या 2 लिखा तो 2 एक वर्ड काउंट होगा नहीं होगा, इसके लिए भी डिफाइंड है। सारी चीज़ों को यहाँ पे वीडियो में डिटेल से अध्ययन करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन उद्देश्य गलत नहीं हो सकता समझाने का। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे, फिर बाद में आपको ये दे देंगे डाटा रेलवे लाइफ का। तो देखिए, ये रेलवे किसी भी परीक्षा के आने से पहले एक टेस्ट के लिए डिटेल दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वो ई कॉल लेटर के साथ टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए दिया हुआ है। और ये NTPC का ही है, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश में इधर, हिंदी में इधर, दोनों दिया हुआ है। आप जिसमें अच्छा से पढ़ सकते हैं वैसे पढ़ना है। आप इसमें सारा चीज़ें डिटेल लेके करके पढ़ लीजिएगा। हालांकि रेलवे लाइफ यहाँ इसलिए डाला हुआ है कि शायद कोई कॉपी करे तो कम से कम एक बार नाम तो ले कि रेलवे लाइफ का है। तो चलिए, इन सारा के डिटेल के लिए एक प्रश्न का यहाँ जवाब दे देता हूँ। आपने अगर 300 वर्ड 10 मिनट में टाइप कर लिया, तो फिर से टाइपिंग ही करते रहिए, रुकना नहीं है जब तक आपका 10 मिनट ख़त्म हो जाए। इससे होगा क्या, आपकी स्पीड ज़्यादा मानी जाएगी, ध्यान दीजिएगा, स्पीड ज़्यादा मानी जाएगी। और ये छोटी छोटी चीज़ें लोगों को पता नहीं होता, वो बोला 300 वर्ड टाइप कर दिए, अब क्या मैं रुक जाऊँ, तो रुकना नहीं है। रुकने के बाद आगे क्या करना है, उसी चीज़ को फिर से टाइपिंग करते रहिए, जिससे आपकी जब तक 10 मिनट पूरा ना हो जाए। 10 मिनट समय तो हमने बता ही दिया था, 30 × 10 = 300 वर्ड। चलिए आगे आते हैं डिटेल में, इसी को समझते हैं। रेलवे से भर्ती से आपको शुभकामनाएं, रेलवे भर्ती आपको देता है, तो मेरे तरफ से भी शुभकामनाएं हैं हमेशा कैंडिडेट को, कि केवल पेपर कटिंग नहीं, हमें कंसेप्ट पे लेके आना है आपको, इतना सफल बनाना है, इतना सक्षम बनाना है, जिससे आप गलती को पकड़ लें और पेपर कटिंग या कोई ऐसी गलती कर रहा है, छोटी छोटी मिस्टेक, उसको आप जवाब दें, वो आपको जवाब नहीं दें। सफल का काम यही है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एक एक करके लेके आएंगे। देखिए, कैंडिडेट को हमेशा कहा जाता है, ये तो सबको पता है, कि जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है। टाइपिंग एग्जामिनेशन दोनों में होगा, इंग्लिश इंग्लिश में, सबको ये क्वेश्चन आपको सबको पता है। उसके बाद प्रायर टू एक्चुअल टेस्ट आपको टाइम दिया जाएगा, किसके लिए, हैबिचुअल टाइपिंग के लिए, कि कंप्यूटर में आपको लैब के साथ टाइपिंग यहाँ पे हो सकता है, टाइपराइटर का यूज किया गया है, उस समय कंप्यूटर पे नहीं होता होगा। अभी सीबी
टी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो आपको यहाँ पे टाइपिंग कंप्यूटर पे ही करने के लिए मिलेगा, एकदम बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। जहाँ जहाँ टाइपिंग राइटर का यूज होगा आप कंप्यूटर शब्द यूज कर लेंगे, क्योंकि ये पहले का नोटिस है यहाँ पे। तो आपको प्रैक्टिस करने का क्या टाइम मिलेगा, दो चार बार आप टाइप कर लीजिए, अपनी स्पीड कर लीजिए, हाथ को गर्म कर लीजिए, अपने प्रैक्टिस में ले लीजिए और सिस्टम से कह दीजिए, फैमिलियर हो जाइए, समझिए सिस्टम को। उसके बाद 300 वर्ड टाइप करना है। देखिए आपको 300 वर्ड का एक पैराग्राफ मिलेगा, वो 10 मिनट में करना है, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में अगर करते हैं तो 10 मिनट का समय मिलेगा, एकदम ध्यान से रखिएगा, और उसमें 300 वर्ड का पैराग्राफ होगा। अगर हिंदी में करेंगे तो 250 का होगा, जिससे 25 वर्ड पर मिनट निकलना जाएगा। तो अब मन में सवाल हो जाएगा कि एक वर्ड का कितना लेटर जुड़ेगा तो एक वर्ड बनेगा। तो देखिए 5 पर स्ट्रोक एक वर्ड, एक वर्ड काउंट होगा आपके 5 वर्ड का। जैसे मैं बता दूं, यहाँ पे स्किल है, स्किल आपका एक वर्ड है। अगर आपका टेस्ट की बात कर रहे हैं तो टेस्ट में एक शॉर्ट है, ये पूरा एक वर्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जैसे इंस्ट्रक्शन आपने टाइप कर दिया 5 से ज़्यादा वाला, तो इसमें से 5 एक वर्ड में काउंट होगा, बाकी बचे हुए जो 4 या 5 होंगे वो दूसरे वर्ड में चले जाएंगे काउंट होने के लिए। यानी आपको ज़्यादा बड़ा वर्ड देख के ये नहीं घबराना है कि ये कैंडिडेट लिखा हुआ है तो डी तक ही 5 हो जा रहा है, तो फिर डी से 5 आगे वर्ड तो कैंडिडेट का 1+1, ये 2 वर्ड काउंट होगा, ध्यान दीजिएगा। समझ गए हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश है कि कॉपीज होने से बचे और आपको सही चीज़ें जानकारी बचाया जाए। तो चलिए अगले बात में चलते हैं। अगला क्या है कि जो कैंडिडेट का है स्टार्टिंग टाइपिंग टेस्ट है, पूरे कंप्लीट टाइप करना है। अगर आपने पूरा फिनिश नहीं किया तो आपकी एक्सपायरी से पहले तो आपका इवोल्यूशन में नहीं लिया जाएगा। यानी 10 मिनट में 300 वर्ड आपने टाइप ही नहीं किया, मिस्टेक की तो बाद में बारी आएगी, 300 वर्ड या 250 वर्ड हिंदी में टाइप ही नहीं किया तो आपकी इवोल्यूशन नहीं किया जाएगा और आपको माना जाएगा कि आप अपने फिनिश नहीं किए हैं। अगर बिफोर फिनिश कर दिए उसके लिए भी यही लिखा है इसी में कि अगर आपने टाइम से बिफोर कर दीजिए तो फिर से दोबारा से वही चीज़ टाइप करते रहिए जब तक आपका टाइम एक्सपायर नहीं हो जाए। उसके बाद कह रहा है कि मिस्टेक कितना परसेंट माफ है, जो हमने आपको क्वेश्चन भी लिखा था तो 5% माफ है। 5% यानी 300 वर्ड का आप पुनः में 5 कर लेंगे और डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो आप अगर कहते हैं कि 15 वर्ड मिस्टेक कर दिए तो कोई आपको गलती नहीं माना जाएगा, यानी इग्नोर कर दिया जाएगा इसे कि आपने मिस्टेक नहीं किया है। 15 वर्ड की बात हो रही है, कितने में, 300 वर्डों में से 15 वर्ड का मिस्टेक माना जाएगा और वो 15 वर्ड मिस्टेक इग्नोर किया जाएगा। उसके बाद देखिए हाफ मिस्टेक की इन्होंने बात किया है कि हाफ मिस्टेक क्या होगा, तो हाफ मिस्टेक का 5% हो गया। उसके बाद फुल मिस्टेक क्या है उसके बारे में बोला है। तो देखिए हाफ मिस्टेक वो ऐसा मिस्टेक है जिसमें, जैसे अगर लिखना है मैं बता दूं यहाँ पे, एक मिनट, ये कैंडिडेट लिखा हुआ है तो कैंडिडेट में से हो सकता है आपने सी के जगह ओ के जगह पे ओ लिख दिया, या थोड़ा बहुत एक आध लेटर चेंज हो गया, या माइनर चेंज इसमें मिस्टेक है, उसको हाफ मिस्टेक के श्रेणी में इसे रखा है। और फुल मिस्टेक को देखिए ध्यान से इन्होंने क्लासिफाई कर दिया है कि नंबर ऑफ फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक कितना है एंड फुल मिस्टेक का, दोनों को क्वालिफाई कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए फुल मिस्टेक को इन्होंने क्वालिफाई किया है फुल नंबर ऑफ फुल मिस्टेक प्लस नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक बाई 2, यानी हाफ मिस्टेक को भी पूरा फुल मिस्टेक में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया है। यानी अगर आपने एक फुल मिस्टेक और 2 हाफ मिस्टेक किया है तो 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 1 हो जाएगा, यानी तो आपकी मिस्टेक कितनी मानी जाएगी, 2 मानी जाएगी। और हाफ क्या है, माइनर मिस्टेक है, कोई एक आध वर्ड का थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक हो गया, कहीं कोमा या वगैरह वाला इशू रह गया, उसको हाफ मिस्टेक में लिया जाएगा। उसके बाद टोटल मिस्टेक कैसे काउंट होगा, तो 5% सबके लिए माफ था कि 15 आपके वर्ड अगर गलत टाइप होते तो मिस्टेक हो जाएगा, तो जितना आपने गलत किया टोटल फुल मिस्टेक वाली के टर्म में, आपने अगर 100 मिस्टेक किया तो 100-15 काट दिया जाएगा, 75 मिस्टेक आपकी मानी जाएगी। अगर आपकी मिस्टेक है 100 वर्ड में, आपके मिस्टेक मान लिए कि 20 ही है और 15 तो आपको माफ़ किया गया है, तो 15 घटा के आपको
पांच मिस्टेक माना जाएगा, और पांच मिस्टेक को क्या कर दिया जाएगा, देखिए एज पर फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ वर्म जो आपकी स्पीड काउंट होगा, टाइपिंग स्पीड, वो टोटल स्पीड देखी जाएगी कि कितने वर्ड आपने टाइप किया है। 300 किए 10 मिनट में तभी तो इवैल्यूएशन होगा, लेकिन 300 के बाद भी आपके पास टाइम बचा है तो आपने 350 कर देंगे, हो सकता है कोई लोग 400 भी कर दे तो 400 वाला भी माना जाएगा, ध्यान ही है। तो टोटल वर्ड अगर 400 किया तो 400, 300 किया तो 300, 200 किया तो 200, सब मान के नंबर ऑफ मिस्टेक गुना 10, ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ मिस्टेक गुना 10 बट्टे टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए नंबर ऑफ मिस्टेक को 10 से यहाँ से गुना कर दिया है तो यहाँ पे टाइम भी 10 मिनट है, तो लगभग लगभग इसको नेलीफाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस फॉर्मूला में ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट का बोडमर्स का नियम तो आप जानते ही हैं, इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, इसलिए आपको इसको पूरा लेना पड़ेगा। यानी आपने आप 15 मिस्टेक किया तो 15 गुना 10 कितना हो जाएगा, 150, और इसने वर्ड आपने टाइप किया कितना, ध्यान दीजिएगा वर्ड किया 400, तो 150 गुना 400 नहीं 150 आपका 400 माइनस 150 डिवाइडेड बाय टाइम 10 मिनट, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो आपकी एक फार्मूला आ जाएगी यहाँ पे 250, और यहाँ से आ जाएगा डिवाइड में कितना 10, और इसको अगर आपने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है तो 25 वर्ड पर मिनट होता है, आप हो जाते हैं फेल। यानी मिस्टेक कितना कम करना चाहिए, कितना वो करना चाहिए आपको पता है, लेकिन जो कैंडिडेट मान लीजिए यहीं पे सेम एग्जांपल मैं दिला दूं कि पांच ही मिस्टेक किया तो 5 गुना 10 यानी 50, यानी 300 वर्ड ही टाइप किया और 50 गलतियां किया, तो 50 गलतियां मतलब 5 गलतियां किया, 5 वो 15 पर 5% एरर को छोड़ के, तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में 10, तो यहाँ से 250 डिवाइडेड बाई 10 यानी टोटल ये हो जाएगा 25। यानी 300 वर्ड टाइप करके 5 गलती करना और 400 वर्ड टाइप करके 15 गलती करना बराबर होगा। तो गलती कितनी कम से कम होनी चाहिए, अगर 300 वर्ड टाइप करते हैं आप, ध्यान दीजिएगा 300 वर्ड ही टाइप करते हैं तो गलती आपकी 15 से कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जो 5% एरर में निगलेट हो जाए। ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान, मैं बहुत सारी चीज़ें एग्जाम बिल्कुल एक चाइल्ड भी समझ जाए वैसा बोल रहा हूँ, कि अगर आपने 300 वर्ड ही टाइप कर पाए पूरे 10 मिनट में तो 15 से कम गलती करें तो आपकी वर्ड 30 वर्ड पर मिनट आ जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि गलती ज़्यादा हो रही है तो टारगेट क्या रखना है, मैं बता दूं, टारगेट ये रखना है आपको कि कम से कम 400 वर्ड तक पहुंच जाए टाइपिंग में, जिससे अगर आपकी गलती 15 से 2-4 ज़्यादा भी हो जाए तो ये कवर कर ले। यानी अगर मैं मान लूँ सिंपल सी बात कि इस फॉर्मूला के हिसाब से आपने 400 किया और गलती आपने कर दिया 5, तो यहाँ से 5 अगर गलती की है तो 50 नंबर घट जाएंगे, 50 घट जाएंगे वर्ड आपके, तो 350 हो जाएंगे और 10 से डिवाइड होगा तो आपके कितने आ जाएंगे, यहाँ से स्कोर ध्यान से देखिएगा कितने आ जाएंगे आपके, आ जाएंगे 35 वर्ड पर मिनट। अगर आपने गलती कर दिया 10 गलती कर दिया, यानी 10 कहें तो 25, क्योंकि 15 तो ऐसे ही आपको छूटा हुआ है नहीं करना है, तो 25 अगर गलती कर दी, 25 में 10 का काउंट हुआ तो यहाँ 100 हो जाएगा, यानी 400 वर्ड टाइप कर दिए, 100 गलती के कट गए 10 के मल्टीप्लाई फैक्टर लेने के बाद, तभी आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट हो जाएगा। तो टाइपिंग क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको आगे तक जाना चाहिए, PWD के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन है, इनकी टाइपिंग टेस्ट के लिए देखिए ई कॉलेटर में लिया हुआ है, पर्स का फॉर्मेट दिया हुआ है, रिक्वायर सबमिट सर्टिफिकेट टू परफॉर्मा दिया हुआ है कि आपको इसके अगर छूट लेना है तो आपको करना पड़ेगा, एग्जाम से पहले आपको देना पड़ेगा, मैंने सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू प्रोविंग, उसके बाद इन्होंने अपलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया है, PWD का रिक्वायर है, सच एग्जामटेड फोर्ट टेस्ट के लिए वगैरह वगैरह जो दिया हुआ है ये पढ़ लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए इसमें डिटेल तो सारा मिल ही गया होगा, लेकिन अब एक बात हमने वादा किया था कि इसको शॉर्ट में रैप करके आपको डाउनलोड करने के लिए बता दूँ, तो 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, 1 वर्ड में 5 वर्ड होगा, 5 लेटर का एक वर्ड बनेगा, पैराग्राफ कितने का होगा तो 300 इंग्लिश के लिए, 250 हिंदी के लिए, एक गलती कितना माफ होगा, 5% गलती या 15 गलती इंग्लिश में माफ होगा और कस हिंदी में थोड़ा कम हो जाएगा, हाफ मिस्टेक क्या है, थोड़ा माइनर मिस्टेक को हाफ मिस्टेक किया है, फुल मिस्टेक को ऐसे वर्ड को माना है कि जो वर्ड का मीनिंग ही नहीं निकलेगा उसको फुल मिस्टेक माना है, और फुल मिस्टेक के टर्म में हाफ
दो हाफ मिस्टेक मिला के एक फुल मिस्टेक बन जाएगा, तीसरा नंबर ऑफ मिस्टेक कैसे काउंटिंग होगा, तो नंबर ऑफ मिस्टेक कैसे काउंटिंग होगा जब आपने वर्ड लेंगे उसी से टोटल मिस्टेक काउंट हो जाएगा, यानी टोटल आपने गलतियां कितनी की है उसमें से 5% एरर घटा के नंबर ऑफ मिस्टेक काउंट किया जाएगा। पहले 300 वर्ड टाइपिंग कर लिए तो टाइपिंग में रुकिए नहीं, 10 मिनट को पूरा यूटिलाइज कीजिए। 300 वर्ड दिया हुआ है, 400 भी वर्ड कर देंगे सेम वर्ड को पैराग्राफ के नीचे डाल के तो आपके लिए बेहतर है। उसके बाद स्पीड कैलकुलेशन फार्मूला से होगा, जिसमें फार्मूला में सीधा लिखा हुआ होगा कि आपने जितना वर्ड टाइप किया है माइनस में आपकी कितनी एरर है, आपने कितनी गलती किया है, गुना 10 डिवाइडेड बाई आपकी टाइम 10 मिनट है, उस पर आपका ये कैलकुलेशन हो जाएगा। कुछ लोग पूछेंगे 10 मिनट से 12 मिनट दे दिया, तो 12 मिनट में भी आपको इवोल्यूशन उसी आधार से होगा, कोई चेंज नहीं होगा, टाइम जहाँ जहाँ है वो 12 मिनट लग जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट की इनवैलिड कब हो जाएगा, तो पता ही है इनवैलिड उसी कंडीशन में हो जाएगा जब आपने 300 वर्ड तक पहुंचा ही नहीं, तो आप तो डायरेक्ट ही फेल हो गए। 10 मिनट में 300 वर्ड यानी आपने 30 वर्ड पर मिनट नहीं किया तो इनवैलिड माना जाएगा। और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आ जाइए www.railwaylifelp.com, ये हमारा वेबसाइट है। इस पर हमने कोशिश किया है कि सारा डाटा आपको डायरेक्ट शेयर कर दें, इसलिए मैंने इस वेबसाइट को भी बनाया था। और प्रोग्रेस करना आपका काम है, अगर वेबसाइट को प्रोग्रेस कराते हैं तो फॉलोअर ज़रूर बनिएगा, लोगों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे लोगों को पता हो कि कम से कम वेबसाइट पे कुछ इन्फॉर्मेशन तो है। तो चलिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके लिए है टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए, यहाँ पे जाएंगे तो इसको क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर भी में है तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ CBT होगा। अगर मोबाइल व्यू में है तो मेल ID पूछ के डाउनलोड आप रीड या डाउनलोड कर सकते हैं, जो डिटेल हमने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है आपके पास भी ये डाटा आ जाएगा और अगली बार से ये गलती नहीं करेंगे। और उम्मीद है कि अगर सही लगा तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, बताइएगा, और चैनल का सब्सक्राइब और नहीं सब्सक्राइब करना ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आपकी मर्ज़ी है। कुछ लोग तो कहते ही है कि यूट्यूबर पे तो कोई नॉलेज आता नहीं है, तो इसलिए ये अपने मन से डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। थैंक यू, धन्यवाद।